प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई का 9वां पाठ जब तक जिंदा रहो लिखता रहो, इस पाठ का अगला भाग का अध्ययन आज हम करेंगे। पाठ को आरंभ करने से पहले जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा है वह एक महान लेखक है, बहुत बड़े रचनाकार है, जिनका नाम है अमृतलाल नागर जी। उनकी कुछ रचनाएं हम देखेंगे, उपन्यास, समाचार, कथाएं, कहानियों का संग्रह, नाटक, बाल साहित्य, अनुवाद, मासिक पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी खुद एक लेखक है और वे अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार ले रहे। साक्षात्कार के माध्यम से उनको जानने का प्रयास यहाँ किया गया है। तिवारी जी नागर जी को पहला सवाल करते हैं कि जब आपने लेखन कार्य शुरू किया तब उस समय का साहित्यिक माहौल कैसा था, यानी वातावरण कैसा था, किन लोगों से प्रेरित होकर आपने यह लेखन कार्य शुरू किया, किन लोगों को आपने आदर्श माना, इस तरह के प्रश्न तिवारी जी नागर जी को पूछ रहे हैं। तब नागर जी ने जवाब दिया कि लिखने के पहले मैंने तो पढ़ना शुरू किया। छात्रों, वैसे ही कौन सी भी चीज़ को लिखने के पहले पढ़ना आवश्यक है। बिना पढ़े लिखेंगे तो हम अच्छा नहीं लिख सकते। साहित्य के क्षेत्रों में जिन जिन लोगों ने नाम कमाया है, चाहे वो कवि हो, नाटककार हो, लेखक हो, उन्होंने लिखने के पहले पढ़ना आवश्यक माना। उसी तरह से नागर जी ने भी कुछ कवियों की रचनाएं पढ़ी, जैसे स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं उन्होंने पढ़ी। उसके बाद छापे का अक्षर नागर जी का पहला मित्र था। छात्रों, छापे का अक्षर यानी मुद्रित की हुई रचनाएं, अन्य कवियों की, लेखकों की मुद्रित की हुई रचनाएं, वे अक्षर उन्होंने पहले पढ़े और उनको ही अपना पहला मित्र माना। उसी तरह से नागर जी हमें यह बताना चाहते हैं कि उनके घर में उनके पितामह यानी दादाजी दो मासिक पत्रिकाएं मंगवाते थे, एक गृहलक्ष्मी और दूसरा सरस्वती। छात्रों, भाषा के विकास में पत्र पत्रिकाओं का बहुत महत्व होता है। उनमें बहुत सारी ऐसी जानकारी उनमें दी जाती है जिस तरह से साहित्य, समाज, देश, काल, मनोरंजन, कार्टून, फिल्म, कला, शिल्प आदि की जानकारी पत्र पत्रिकाओं में दी जाती है। उसी तरह से नागर जी की उनके घर में दो मासिक पत्रिकाएं उनके पितामह मंगवाते थे। उस समय नागर जी हमें यह बताना चाहते कि उस समय उनके सामने प्रेमचंद, कौशिक का भी साहित्य उनके सामने था। उसी तरह से नागर जी ने प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, बकिम चंद्र चटर्जी यानी उनके भी उपन्यास उन्होंने पढ़े हुए थे। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का देशी और विलायती यह कहानी संग्रह उन्होंने 1930 में पढ़ा। उसी तरह से बकिम चंद्र चटर्जी का भी उपन्यास उन्होंने 1930 में पढ़ा। छात्रों, नागर जी का जन्म 1916 में हुआ और उन्होंने उपन्यास 1930 में पढ़े। इतने कम आयु में, यानी उनकी आयु तब 14-15 साल की थी, इतने कम आयु में उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपन्यास पढ़े हुए है। उसी तरह से यानी हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम यह बकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है, यह तो सबको मालूम है। उसी तरह से नागर जी ने आनंदमठ, देवी चौधरानी,
राजस्थानी थीम यानी विषय इस पर भी उन्होंने उपन्यास पढ़े हुए हैं।